तो जी बस YouTube पे पहली बार स्किन वाइटनिंग वैक्स और ब्लीचिंग वैक्स है। तो जी हाँ, आज की जो मैं वैक्स लेकर आई हूँ ये मैं बनाऊँगी पटाटो से। और आपको पता है जो आलू होता है, पटाटो होता है, उसके अंदर ब्लीचिंग जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो ये आपकी स्किन को ब्लीच भी करेगी और आपकी डेड स्किन को इंशाल्लाह ताला पहली ही दफ़ा रिमूव करके और आपकी स्किन पे ग्लो लेकर आएगी। बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। इस तरीके से आपने अगर वैक्स बना ली तो आप यकीन माने चंद ही दिनों के इस्तेमाल से आपकी बालों की जो ग्रोथ है वो इंशाल्लाह ताला कम हो जाएगी और बालों की जड़ें बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगी। इस रेमेडी से फ़ायदा उठाएं, चलते हैं बनाते हैं आज की वैक्स। तो जी बस आज जो रेमेडी लेकर आई हूँ ये हर घर की ज़रूरत है व्यूअर, जैसे कि बच्चियाँ हों, बहनें हों, सबके घर की ज़रूरत है ये। और आज मैं बना रही हूँ आलू की वैक्स, यानी कि पटाटो वैक्स बनाऊंगी यूट्यूब पे पहली बार। और उम्मीद करती हूँ ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। इससे आपके बाल भी इंशाल्लाह ताला फाइनली जो है आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे। अगर आपने इसे 3 से 4 दफ़ा वैक्स कर ली तो बाल भी कम हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात है व्यूअर्स, आपकी स्किन भी डेड स्किन से रिमूव हो जाएगी और एकदम आपके हाथ पैर बॉडी जो है एकदम वाइट हो जाएगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वैक्स। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने 2 कप जो है वो चीनी के ले लिए हैं। ये मेरे पास थोड़ी सी फिटकड़ी है और यहाँ पे मैंने लिया है लेमन जूस तकरीबन आधा कप के करीब। ये मेरे पास जूस है नींबू का और यहाँ पे मैंने ले लिया है आलू का जूस। अच्छा, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको पैन के अंदर डाल देना है, इन सब चीज़ों को। ये खाली आपने पैन लेना है खुश्क सा, उसके अंदर आपने ये चीनी डाल दी 2 कप जो है मेरे पास। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ये जूस, नींबू का जूस मैंने डाला है। अब हम यहाँ पे इसके अंदर ऐड करेंगे व्यूअर्स, ये है मेरे पास आलू का जूस और इतना आपने आधा कप के करीब इसके अंदर आलू का जूस डाल देना है। अब हमने इसको हल्की आंच पे चूल्हे पे चढ़ा देना है। अच्छा, फिटकड़ी हम अभी नहीं डालेंगे, फिटकड़ी हम जब हमारी जो वैक्स है वो रेडी होने वाली होगी उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो जी बस यहाँ पे हमने आलू की जो वैक्स है उसको चूल्हे के ऊपर रख दिया है और मैंने इसको अच्छी तरह जो है मिक्स करना है। इसको जब तक आप पकती रहेगी आप इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे, वरना क्या होता है व्यूअर्स कि ये जो हमारी वैक्स होती है वो जल जाती है जल्दी। और हमने बहुत हल्की आँखें पकाना है। अच्छा, शुरू में हम आग जो है ना इसकी थोड़ी तेज़ रखेंगे, उसके बाद इसकी आग जो है वो कम कर देंगे। व्यूअर्स इसके मैं फ़ायदे बता दूँ, इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो ये आपकी बालों की जो ग्रोथ है उसको इतना इतना कम कर देती है और जो जड़ें हैं उनको कमज़ोर कर देती है, जिससे आपके बाल जो हैं बहुत बारीक आते हैं, बिल्कुल भी मोटा बाल नहीं आएगा। और दूसरा, ये आपके हाथों की पैरों की बॉडी की स्किन को एकदम साफ़ कर देती है, डेड स्किन को रिमूव कर देती है व्यूअर्स। तो आपने इसको ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है व्यूअर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए व्यूअर्स तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ देखें हमारी जो चीनी है इस आलू के और नींबू के जूस में अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब मैंने इसका चूल्हा जो है वो बिल्कुल लाइट सा कर देना है और उसको हल्की आँच पर पकाना है मैंने। तो जी बस यहाँ पे हमारी वैक्स के अंदर अच्छी तरह बबल्स बनना शुरू हो गए हैं और चूल्हा मैंने बिल्कुल जो है इसका आहिस्ता कर दिया है और इस तरह मैं इसमें मुसलसल चम्मच चलाती रहूँगी ताकि हमारी जो वैक्स है वो साइडों से जल ना जाए और इसका बहुत अच्छा सा कलर आए। और भी बस इसको आप सेव 1 साल तक कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और जब आपका दिल चाहे कि आपको अपनी स्किन डेड, आपके काले लग रहे हैं हाथ पैर, तो बस आपने क्या करना है, इस वैक्स को लगाना है, स्ट्रिप्स की मदद से आपने खींच लेनी है। अगर आपके बाल हैं नहीं हैं, उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी की जितनी भी डेड स्किन होगी वो उतर जाएगी, मैल कुचैल साफ हो जाएगा और आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी व्यूअर्स। तो अब आपने इसको अच्छी तरह मुसलसल चम्मच चलाते रहे, इसके बहुत फ़ायदे हैं। अच्छा, जब मैं खुद काम करती थी पॉलर का तो मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं घर में ही वैक्स तैयार करूँ और जब मेरे पास कोई ऑर्डर वगैरह आता था तो मैं 1 दिन पहले जो है अपनी वैक्स जो है ना बनाकर रख लेती थी। और व्यूअर्स आपको तो ऐसे मैंने बताया था कि मैं एक ब्यूटिशियन भी हूँ और मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किए हैं। तो अब मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब का चैनल बनाऊँ और आप लोगों को जो है इसके बारे में बताऊँ कि मुझे क्या क्या मालूम है, क्या क्या रेमडियाँ आती हैं, क्या क्या रेसिपी आती हैं और क्या क्या टोटके आते हैं। और मुझे आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि मुझे कौन सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को, कौन मेरी वीडियो को लाइक करेगा
और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएंगी। तो यहाँ भी बस इसके अंदर अच्छी तरह बबल्स जो हैं वो बनना शुरू हो गए हैं। तो अब देखें इसकी जो झाग थी एकदम से बैठ गई है। तो अब यानी कि इसका ये मकसद हुआ कि हमारी जो वैक्स है बनने की तरफ जा रही है। अब इसको मुसलसल आपने चम्मच चलाना है, बिल्कुल भी आपने इसका चम्मच नहीं रोकना। तो जी बस यहाँ पे हमारी वैक्स जो है अच्छी तरह रेडी हो चुकी है और अब मैं इसके अंदर डालूंगी फिटकरी, जिसको हम आलम भी कहते हैं। तो तकरीबन आधी चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर फिटकरी डाल देनी है, यानी कि 2-3 या आध एक चम्मच का चौथाई हिस्सा ये मैंने फिटकरी डाल दी। इससे क्या होगा कि अगर आपको फंगस वगैरह या कट वगैरह या जम्स वगैरह से आप महफूज रहेंगे, जम्स वगैरह आपके बिल्कुल भी नज़दीक नहीं आएंगे और आपकी जो वैक्स है 1 साल तक आप इसको फ्रिज में रख कर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी वैक्स रेडी हो चुकी है, वैसे चूल्हा मैंने बंद कर देना है। इसको हमने ठंडा करके जार में डाल लेना है। तो जी बस यहाँ पे मैंने एक जार ले लिया है, इस तरह का आप ले लें जो कि आप दोबारा इसको गर्म करें, जैसे कि डबल बॉयलर में आपने इसको गलम गर्म करना है तो ये पिघले नहीं। तो यहाँ पे हमारी वैक्स जो है तकरीबन ठंडी हो चुकी है व्यूवर्स। अब हमने बारीक छन्नी की मदद से इसको अच्छी तरह स्टेन कर लेना है। अच्छा, स्टेन आपने तब करना है जब थोड़ी सी गर्म हो, ऐसा ना हो कि बाद में जब आप ठंडी करेंगे तो आपकी जो वैक्स है वो स्टेन बिल्कुल भी नहीं होगी और स्टेन होने में मुश्किल हो जाएगी। और भी बस इतना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया है इसका, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से। और अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगी कि कैसे ये वर्क कर। जी बस यहाँ पे वैक्स बनकर रेडी हो चुकी है और इसको आप 1 साल के लिए भी आप फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हैं। और ये थी मेरी आज की रेमेडी और उम्मीद करती हूँ ये रेमेडी आपको ज़रूर पसंद आई होगी व्यूअर्स। अगर आपको ये रेमेडी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।